गाइस देखो आज की इस वीडियो में कई सारे अपडेट निकल के सामने आई है, तो उन्हीं के ऊपर अपन बात करने वाले हैं बैक टू बैक। तो भाई लोग देखो सबसे पहली और सबसे लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आई है कि गाइस देखो शाहरुख खान की मूवी जवान हम सबको बताया कि इसका प्री रिव्यू टीजर ट्रेलर जो भी आया था भाई सब टोटली तबाही था और तबाही मचा के गया भी है। तो भाई सब उसी के बाद इनके मेकर्स ने एक नया पोस्टर रिलीज किया है जो कि आप देख सकते हो ये रहा स्क्रीन पे। भाई सब ये पोस्टर देखने के बाद लिटरली मैं बताता हूँ इसी को देख के गूज़बम्प्स आते हैं। तो भाई सब इसका जब ट्रेलर आएगा, मतलब ट्रेलर तो आ चुका है, टीजर प्री रिव्यू बोला जा रहा है उसको, पर भाई साहब अगर इसका प्रॉपर ट्रेलर आता है तो क्या ही तबाही मचाएगा। करे जो गाइस जवान को लेकर और एक अपडेट सामने निकल के ये आई है कि जवान के अंदर गाइस अपने को क्यारा अडवाणी का भी एक कैमियो रोल देखने को मिल सकता है, मिल सकता नहीं गाइस मिलने वाला है, क्योंकि एक सॉन्ग के अंदर शायद से अपने को जवान के अंदर इनका एक कैमियो देखने को मिले। तो भाई लोग अब ऐसी अपडेट आ रही है, रूमर आ रहा है, तो जैसे ही कोई फिर से कोई अपडेट आती है जवान को लेकर तो तुम्हारा भाई तुमको अपडेट कर देगा। तो उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट आ रही है गाइस वो होने वाली है बायोपिक को लेकर, यानी राजकुमार हिरानी की डंकी, अफ्टर डंकी के बाद जो डायरेक्शन करने वाले वो होने वाली बायोपिक वो होने वाली गाइस लाला अमरनाथ, कैप्टन लाला अमरनाथ के ऊपर, जिसमें शायद से अपने को आमिर खान लीड रोल में नजर आ सकते हैं, ऐसा तगड़ा लेवल का रूमर और बस निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है गाइस उसी के साथ गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है आपने सलीमान भाई की पिक्चर यानी किक टू को लेकर। तो भाई लोग देखो साजिद नाडियाडवाला जो कि इसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं और भाई लोग देखो उनकी तरफ से अपडेट आ रही है कि इसके जल्दी अपने को कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल सकती है। तो भाई लोग तुम्हारा भाई तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है किक टू के लिए, क्योंकि भाई लोग किक वन ने ना गाइस तुम्हारे भाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, हाँ रीमेक थी कोई बात नहीं, पर भाई सब तुम्हारे भाई को पिक्चर पसंद आई थी। तो भाई लोग अब किक टू को लेकर तुम्हारे लोग के क्या ओपिनियन है, क्या इस पिक्चर के जल्दी कुछ अपडेट आने वाली है, तो तुम कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सलमान भाई की पिक्चर के लिए। तो भाई लोग सल्लू भाई की पिक्चर टाइगर 3 को लेकर भी कुछ ना कुछ अपडेट आती है तो तुम्हारा भाई तुमको अपडेट करेगा, तो तुम सब्सक्राइब मारो डेली ऐसे ही तुम्हारा भाई अपडेटेड वाली वीडियो लाता रहता है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है गाइस वो है गाइस अपने ओ माय गॉड 2 को लेकर, यानी अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी जो कि शायद से अक्षय कुमार का कमबैक कर दे इस साल। तो भाई लोग अगर अक्षय कुमार का कमबैक होता है तो भाई सब बाप लेवल का होने वाला है, क्योंकि भाई सब पिक्चर का अगर कंटेंट बोलता है ना भाई लोग, तो अगर पब्लिक को पिक्चर पसंद आती है तो भाई सब इस अक्षय कुमार का कमबैक इस पिक्चर से 100% आप पक्का समझो। तो भाई साहब उसी के साथ बात करें इस मूवी के ट्रेलर को लेकर, तो गाइस देखो इसका ट्रेलर की अपडेट ये आई कि शायद से 15 जुलाई के दिन या फिर 16 जुलाई के दिन इसका अपने को ट्रेलर देखने को मिल सकता है, ऐसा अपडेट आई है। तो भाई लोग देखो सेकेंड वीक में तो इसका ट्रेलर होने ही वाला है, पर 15 जून या फिर 16 जून के दिन 99% चांसेस है कि इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाए। की जो लास्ट अपडेट निकल के आ रही है गाइस वो है प्रोजेक्ट के को लेकर, जिसका फर्स्ट लुक एंड टाइटल रिवील होने वाला है गाइस वो होने वाला है 20 जुलाई के दिन, हम सबको पता है। पर गाइस प्रोजेक्ट के इस मूवी के लिए गाइस मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि गाइस देखो जो जिस तरीके से इसके पोस्टर निकल के सामने आए, जो कि अटपटे तरीके के इसके पोस्टर निकल के आए अभी तक अपने को देखने को मिले, पर भाई साहब देखो अगर प्रॉपर इसका ग्लिम्स और अपने को फर्स्ट टाइटल और ट्रेलर की रिलीज डेट भी अपने को पता चलने वाली है 20 जुलाई के दिन, तो भाई लोग प्रभास की इस पिक्चर के लिए भी हाइप काफी ज्यादा बनी पड़ी है। तो अब तुम लोग बताओ यार कि इन सारे अपडेट्स में से तुम कौन सी पिक्चर के लिए एक्साइटमेंट रखते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो तुम्हारा भाई मिलता है तुमसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।